हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स किचन में। मेरा नाम है कविता। आज का रेसिपी है स्पाइस्ड कैरेट डोसा। बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। रेगुलरली डोसा बैटर घर में रहता तो है, स्पेशली साउथ इंडियन घरों में तो रहता है। अगर आपने कभी डोसा बैटर मंगाया या घर में ही बनाया तो थोड़ा उठा के रख दीजिएगा, क्योंकि एक दो दिन बाद आप इसे यूज़ करके मतलब उसी डोसा बैटर के साथ थोड़ा मसाला थोड़ा कैरेट डाल के एक न्यूट्रिशियस स्नैक बॉक्स ऑप्शन बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए। क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस पसंद रहते हैं, डिफरेंट टेस्ट पसंद आता है उन्हें, और कभी कभार हमें वक्त कम रहता है और क्या पैक करें ऐसे टेंशन में रह जाते हैं। तो रेगुलरली मैं ऐसे थोड़े आसान से रेसिपी जो टेस्टी भी हैं और क्विकली भी बन जाए शेयर करती रहती हूँ। और ये स्पाइस्ड कैरेट डोसा कैसे बनाया जाए चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले रही हूँ मैं, आप एक कढ़ाई भी ले सकते हैं। गाजर मैंने जो कद्दूकस करके रखा है उसे डाला है अभी, उसके साथ ये चिल्ली हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये जिंजर इसके साथ थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ मैं, और 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। 2 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा इसे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो इसे प्यूरी करके यूज़ कर सकते हैं डोसा बैटर के साथ, वरना ऐसे ही भी डाल सकते हैं। मैं इसे प्यूरी कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को उतना पसंद नहीं है, मुंह में कुछ आ जाए तो उसे पसंद नहीं आता, स्पेशली क्योंकि डोसा उसका फेवरेट है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, पहली बार मैंने ऐसे ट्राई किया। आप चाहें तो ऐसे ही नॉर्मली मिक्स करके भी बना सकते हैं डोसा। प्यूरी होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैं डोसा जो प्रिपेयर करके रखा है बैटर उसे ही यूज़ कर रही हूँ। 1 कप का डोसा बैटर डाल रही हूँ, थोड़ा इधर उधर आप एडजस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये रेडीमेड डोसा बैटर है, मतलब घर में जो पहले ही बना के रखा था वो, उसके साथ ये जो प्यूरी किया है मैंने वो डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा इसे पकाने से पहले। और ये है कैरेट डोसा बैटर तैयार। अभी तवा गरम करने के बाद इसे छोटे छोटे साइज़ में बनाइएगा। मुझे ये एक्चुअली प्रिफरेबल लगता है क्योंकि उनके बॉक्स में हम ऐसे ही डाल सकते हैं, फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लंच बॉक्स या स्नैक बॉक्स में डोसा को फोल्ड करके डालेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, रोटी की तरह नहीं होता है, पराठे की तरह भी नहीं होता है, तो चिपक जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए छोटे छोटे साइज़ में बना के आप डालिएगा। और भी छोटा छोटा बनाना चाहें तो भी इट्स ओके, 2-4 एक ही तवा के ऊपर 2-4 स्प्रेड कर देंगे तो भी बहुत जल्दी से भी बन जाएगा। चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही घी डाल के आप उनके बॉक्स में डाल सकते हैं। तैयार है स्पाइस्ड कैरेट डोसा। रेगुलरली मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियो शेयर करती रहती हूँ, शिशु आहार, बड़े बच्चों के आयरन कैल्शियम की देखभाल कैसे की जाए, क्या सप्लीमेंट्स देने चाहिए, या घर में क्या आहार देने से उन्हें उनकी हेल्थ अच्छी हो पाएगी, वैसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इन सब की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर से मिलते हैं अच्छे अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।